तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत समेत सभी मृतकों के पार्थिव शरीर आज दिल्ली लाए जाएंगे। सीडीएस रावत और उनकी पत्नी मधुरिका रावत का अंतिम संस्कार कल दिल्ली में होगा और आज लोकसभा और राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हादसे पर बयान भी देंगे। हादसे में एकमात्र जिंदा बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज जारी है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। शौर्य और साहस के दूसरे नाम जनरल विपिन रावत के निधन से देश गमजदा है। आंखें नम हैं, आम से लेकर खास तक को भी अभी भरोसा ही नहीं हो रहा कि जनरल रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन इस कड़वे सच पर अब भरोसा करना ही होगा। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में बुधवार को भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर Mi-17VS हादसे का शिकार हो गया और इसमें हमने अपने देश के पहले सीडीएस समेत कई अफसरों को खो दिया। इस हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका रावत की भी जान चली गई। हादसे के शिकार इन सबों का पार्थिव शरीर आज शाम तक दिल्ली लाया जाएगा। डीएनए टेस्ट से शवों की पहचान होगी। शुक्रवार को जनरल रावत और उनकी पत्नी के शवों को घर लाया जाएगा और लोगों को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अंतिम दर्शन करने की अनुमति होगी। उसके बाद कामराज मार्ग से दिल्ली कंटोनमेंट के बराड़ चौराहा शमशान घाट तक उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। अंतिम संस्कार के लिए उनकी छोटी बहन और भाई भी वहां मौजूद रहेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसलिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों सदन में इस हादसे के बारे में जानकारी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि तमिलनाडु में आज दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के कारण सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के 11 जवानों के अचानक निधन से काफी दुखी हूं। उनका असमय निधन सेना और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने आगे कहा कि जनरल रावत ने असाधारण साहस और लगन से देश की सेवा की है। हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन की पुष्टि होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी CCS की बैठक की। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हुए। सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति ने जनरल रावत के निधन पर शोक जताया। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने भी रक्षा मंत्री को हादसे और संबंधित मुद्दों के बारे में अवगत कराया। रक्षा मंत्री जनरल रावत के आवास भी पहुंचे और उनकी बेटी से बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो देश कल एक ऐसे हादसे की खबर से रूबरू हुआ जिसे सुनते ही आमो खास सबकी आंखें नम हो गई। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर सुनते ही लोगों का दिल सा बैठ गया। हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका का भी निधन हो गया। इसके अलावा 6 अधिकारी और 5 क्रू मेंबर्स भी हादसे में मारे गए। अब आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं वो सिर्फ 24 घंटे के अंतराल की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप देखिए कल की, जो कि उनके जीवन की आखिरी तस्वीर साबित हुई। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए हैं और ये उस समय की तस्वीर है जब उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरने ही वाला था। जबकि दूसरी तस्वीर की अगर बात करें तो बिपिन रावत के आखिरी बयान से जुड़ी वो तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो हादसे से एक दिन पहले की है, यानी कि मंगलवार की, जब वो दिल्ली के DRDO भवन में Panex 21 के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। हम आपको उनका यहां पर दिया गया आखिरी संदेश, वो आखिरी चेतावनी भी सुनाएंगे जो कोरोना महामारी पर दुनिया की आंखें खोलने वाली है। And if this is the future warfare and that biological warfare is somehow beginning to take shape, then once again I think we amongst the British nation need to act together and strengthen our effort to make sure that our nations do not get affected by such kind of कोरोना महामारी जैविक युद्ध में बदल सकती है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की दुनिया को दी गई ये वो आखिरी चेतावनी थी
जो उन्होंने एक दिन पहले बिम्स्टेक के सदस्य देशों से जुड़े एक कार्यक्रम में दी थी, जिस पर पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो चुकी थी। लेकिन ठीक अगले ही दिन जनरल से जुड़ी एक ऐसी खबर आई जिसने न सिर्फ पूरे देश को चौंका दिया बल्कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और आम आदमी तक हर किसी की आंखें नम कर गया। तमिलनाडु के कुन्नूर में जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर MI-17V5 अचानक क्रैश हो गया, जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई। भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर में CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सवार थे। उन्होंने ग्रुप कैप्टन और स्क्वाड्रन लीडर के साथ उड़ान भरी थी। इस दौरान हेलीकॉप्टर में उनके साथ ब्रिगेडियर रैंक के एक अधिकारी समेत 14 लोग सवार थे, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश होने के साथ ही CDS और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई। ये जो लॉस हुआ है ये सब, ये हमारा लॉस तो हम अपने आप को कम मानेंगे, पर हम तो ये मानते हैं कि जो देश के लिए उन्होंने किया और जितनी अच्छी उनकी देश की सोच थी और फौज की सोच थी, वो दोबारा हमको तो ऐसा मुश्किल है मिलना। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे से पहले बहुत तेज आवाज सुनाई दी। हेलीकॉप्टर पहले पेड़ों पर गिरा, इसके बाद उसमें आग लग गई, वो आग का गोला बन गया। एक और चश्मदीद का कहना है कि उसने जलते हुए लोगों को हेलीकॉप्टर से बाहर गिरते हुए देखा। அந்த பையன் என்ன செஞ்சாப்ல வந்து பார்த்துட்டு பை சர்வீஸுக்கு போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணாப்புல பண்ணோன்னா ஒருத்தர் எரிஞ்சு அப்படியே அந்த ஒருத்தர் சாயிறார், மற்றவங்கெல்லாம் நம்ம வரக்குள்ளேயே பொத்து பொத்துன்னு உழுகுறாங்க. மேலே வந்து ஒரு 3-4 பேர் எரிஞ்சு அப்படியே உழுகுறாங்க சோளக்குள்ள, உளுந்தான் அவங்கள முன்னுக்கு எடுத்துடுறாங்க. அதுக்கு பிறகு நான் வந்துட்டேன், பையன் எனக்கு அலட்டி ஆயிடுச்சு, நான் வந்துட்டேன். हेलीपैड से 10 मिनट की दूरी पर ही घने जंगलों के बीच ये एडवांस हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया। कई घंटे बाद जाकर भारतीय वायु सेना की तरफ से जनरल बिपिन रावत के निधन की पुष्टि की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो CDS बिपिन रावत का कल तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। इस खबर के बाद से ही देश भर में शोक की लहर है। जगह जगह जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी जा रही है। कल देर रात तक कई शहरों में ऐसी तस्वीरें सामने आती रही, जहां पर राजधानी दिल्ली में भी जनरल बिपिन रावत को कैंडल जला करके श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में भी लोगों ने इस हादसे पर दुख जताया और हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य अधिकारियों की श्रद्धांजलि दी। विशाखापट्टनम में लोगों ने CDS बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। CDS बिपिन रावत के निधन के बाद से राजनीतिक जगत में भी शोक की लहर है। हर कोई इस खबर से स्तंभ है। राजनेताओं ने इस हादसे पर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड के रहने वाले जनरल बिपिन रावत के निधन से पूरा उत्तराखंड बहुत दुखी है और ये हमारे उत्तराखंड के लिए नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ और भगवान श्री से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनके परिजनों को ये बहुत बड़ा दुख उनके लिए है, उनको धैर्य प्रदान करें। दुर्भाग्य से ये हसदा में, मैंने ये दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका धर्मपत्नी और बाकी 11 जवान का देहांत हुआ, इसके लिए मैं दुखी हूँ। बहुत ही हमको अफसोस है और ऐसा जो अफसर शायद भारतीय सेना में मिलेंगे कि नहीं। दुर्घटना ऐसे बड़े ऑफिसर के साथ होना और ऐसी बड़ी चौपर जिसकी जांच 3-3 लेवल पे होती है, इसके साथ में ऐसे तरीके से उनकी दुर्घटना होना बहुत बड़ा चिंताजनक है। इसकी जांच होनी चाहिए और उनके परिवार को, उनके परिवार के दुख में हम पूरे देशवासी शामिल हैं, उनको श्रद्धांजलि हमारे सबके तरफ से। कह सकती हूँ कि आप एक शक्कर का पुतला बनाइए और उसके अंदर शौर्य भर दीजिए और फिर उसको जीवंत कर दीजिए, तो वो जनरल रावत थे। मीठे लेकिन शौर्यपूर्ण, शालीन, संस्कारवान और अत्यधिक मधुर और बहुत ही स्नेहिल, बहुत सरल। मैं ऐसे कम लोगों को देखी हूँ वो जैसी थी। पूर्णी क्षति हुई है,
जनरल विपिन रावत जी के जाने से उनकी मृत्यु का जैसे ही संदेश मिला है, सारे उत्तराखंडवासी, पूरे भारतवासी सब बहुत दुखी हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। और उन्होंने एक, मैं व्यक्तिगत रूप से भी, चूँकि उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, साथ ही साथ भारत के साथ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा उनके अंदर इतनी सादगी, सरलता थी कि हमेशा वो मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे। एक बात हमें जरूर कहना पड़ेगा कि बिपिन रावत जी की जो शालीनता, संवेदनशीलता, सज्जनता, अनुभव, आज सब कुछ मुझे नए सिरे से याद होने लगी है जब सुना है मैंने कि उनको हादसे के चलते मौत हो गई है। मैं यकीन नहीं कर सकते अभी भी। और सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर कई देशों की तरफ से भी शोक जताया गया है, जिसमें नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, अमेरिका समेत कई देशों ने सीडीएस बिपिन रावत के निधन शोक संदेश भेजा है। Department of Defense Secretary extends our deepest condolences to the Rawat family, the Indian military, and the people of India after the tragic death of India's Chief of Defense Staff General Rawat. I just want to convey my deepest condolences on the passing of the Chief of Defense Staff and his family members, and to all of the families of the victims and the Indian governments. I convey the condolences of the Department of State and the sympathies of our colleagues. आसमान के जिस घातक योद्धा का लोहा सारी दुनिया मानती है, दुश्मन का शिकार करने वाला वो वायुवीर हादसे का शिकार आखिर कैसे हुआ? Mi-17 की गिनती सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर में की जाती है, और इसीलिए रक्षा मामलों के जो जानकार हैं वो हादसे को लेकर के कई तरह की आशंका जता रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। वायुवीरों के जिस योद्धा की गिनती दुनिया के सबसे एडवांस हेलीकॉप्टरों में होती है, आसमान के जिस लड़ाकू ने जरूरत पड़ने पर दुश्मन के खिलाफ अपने अभूतपूर्व शौर्य का लोहा मनवाया, हमारे शूरवीरों की ताकत में शुमार ये आसमानी घातक हादसे का शिकार कैसे हुआ? इस बारे में अब तक दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी कई वजह हो सकती है। पहली वजह, खराब मौसम। हेलीकॉप्टर हादसे की बड़ी और अहम वजह खराब मौसम को भी बताया जा रहा है। दरअसल जंगल और पहाड़ी इलाकों के पास वेलिंगटन का हेलीपैड मौजूद है, इसी वजह से यहां प्लेन को लैंडिंग करना काफी मुश्किल होता है। यहां पर हेलीपैड दूर से दिखाई नहीं देता, काफी नजदीक आने पर ही पायलट को हेलीपैड दिखाई पड़ती है, जिसके बाद ही पायलट लैंडिंग का आखिरी फैसला करता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि खराब मौसम में जब पायलट को हेलीपैड करीब लगा होगा, तब वो लैंडिंग की कोशिश कर रहा होगा। दूसरी वजह, तकनीकी खामी। हादसे की एक और वजह हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खामी को भी माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी आ गई हो। इस हेलीकॉप्टर में दो इंजन होते हैं, जिसमें अगर एक इंजन भी काम करता है तो हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं कर सकता, लेकिन एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि एक ही साथ दोनों इंजन में खराबी आ गई हो, या फिर हेलीकॉप्टर के फ्यूल पंप से फ्यूल की सप्लाई एकाएक बंद हो गई हो। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर डबल इंजन वाला था। ऐसे में अगर एक इंजन फेल भी हो जाता तो दूसरे इंजन से सुरक्षित लैंडिंग हो सकती थी। और इस आसमानी योद्धा की सबसे बड़ी खासियत है कि ये खराब मौसम में भी उड़ान भर सकता है। ये किसी भी भौगोलिक हालात में उड़ान भर सकने में सक्षम है, चाहे ज्यादा ऊंचाई हो या फिर रात का घना अंधेरा। रॉकेट, तोप और छोटे हथियारों से लैस होकर ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर दुश्मन को तबाह और बर्बाद कर सकता है। मैं बहुत ब्रीफ में बात करूंगा कि मेरे अनुसार 8 कारण हो सकता है ये क्रैश होने का। प्री फ्लाइट चेकअप, पायलट एरर, टेक्निकल फेलियर, नेविगेशन एरर, विजिबिलिटी कम होने का कारण,
क्लाउड इफेक्ट कि क्लाउड में हेलीकॉप्टर फंस गया, साबोटाज एंगल, वायर एंगल कि नॉर्थ ईस्ट में कभी कभी जो केबल है वो जो डाला जाता है उसका पोजीशन चेंज किया दिया जाता है और पायलट को दिखाई नहीं पड़ता है तो वायर में लोग क्रैश करते हैं, आग लग जाती है। और आठवां कि फ्यूल एक्स्ट्रा, क्या एक्स्ट्रा फ्यूल डालने से वो डायमेंशन था जो क्रैश का वजह था। तीसरी वजह, गलत नेविगेशन। MI-17V5 एक VIP हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसका निर्माण रशियन हेलीकॉप्टर्स की सहायक कंपनी कजान हेलीकॉप्टर करती है। इसके कैबिन के अंदर और बाहर स्लिंग को कार्गो परिवहन के लिहाज से डिजाइन किया गया है। MI-17V5 दुनिया के सबसे एडवांस हेलीकॉप्टरों में से एक है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गलत नेविगेशन की वजह से हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ होगा। सब बिंदुओं को ध्यान रखते हुए जो सबसे मुख्य प्रश्न मेरे मन में आता है कि आग लगी कब, आकाश में या जमीन पे? यदि आकाश में लगी है तो हेलीकॉप्टर के बाहर जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है उससे हेलीकॉप्टर टकराया है, या आकाश में हुआ है तो अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, मैल फंक्शनिंग हुआ है जिसके वजह से आग लगी है। लेकिन यदि जमीन पे आग लगी है तो मैकेनिकल टेक्निकल फेलियर के चलते हेलीकॉप्टर जमीन पे गिरा है और फ्यूल टैंक फटा है और तब आग लगी है जिसमें जनरल रावत को थर्ड डिग्री बर्न हुआ है और इसीलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाए। थर्ड डिग्री बर्न में कोई बचता नहीं है। चौथी वजह, कम विजिबिलिटी। तमिलनाडु के कुन्नूर हादसे की वजह जानकार कम विजिबिलिटी को भी मान रहे हैं। जानकारों का कहना है कि कम विजिबिलिटी की वजह से भी हादसा हो सकता है। एक्सपर्ट्स की राय है कि खराब मौसम की वजह और लैंडिंग पॉइंट से दूरी कम होने की वजह से भी हेलीकॉप्टर काफी नीचे था। हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। लो विजिबिलिटी हादसे की वजहों में से एक हो सकती है। लेकिन हैरानी की बात है कि MI-17V5 वेदर रडार के साथ ही लेटेस्ट नाइट विजन इक्विपमेंट से लैस था। बावजूद इसके अगर खराब मौसम हुआ भी तो ये हादसे का शिकार कैसे हो गया? इसके अलावा बादलों में हेलीकॉप्टर का फंसना भी एक अहम वजह माना जा रहा है। एयरफोर्स ने MI-17V5 हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। अब जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपनी बेबाकी, कड़े तेवर और लीक से हटकर के फैसलों के लिए जाने जाते थे। जनरल रावत का ये जो पूरा मिलिट्री करियर है वो उनके इसी मिजाज के उदाहरण से भरा पड़ा है। टाइम्स नाउ पर चर्चा के दौरान बतौर कमांडर और मिलिट्री रणनीतिकार उनके फैसलों की झलक मिली है, आप भी सुनिए। रावत साहब जो है वो अपने बैच में से, मिलिट्री अकेडमी से सबसे ऊंचे निकले, सोर्ड ऑफ ऑनर मिला था। बाद में भी उन्होंने कई ऐसी ऐसी अपॉइंटमेंट ली हैं या कोर्सेज किए हैं जिससे आम तौर पे फौजी माहौल के अंदर ये समझा जाता है वो ऐसे ही अफसर को दिया जाता है कि जो बहुत ऊंचे पद पे जाएगा। उन्होंने कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज कोर्स अमेरिका में किया, उन्होंने एक UN ब्रिगेड को कमांड किया अफ्रीका में और वहाँ पर तब्दीलियाँ लाए, जिस किस्म से फौज को समझ में आया कि किस नज़रिया से भारत के लोगों को फौज के ऑपरेशंस जो अफ्रीका में होते हैं और UN के अंदर होता है, संयुक्त राष्ट्र के झंडे के अंदर होता है, उसे किस किस्म से हमारे देश के लोगों को उसके बारे में बताया जाए, समझाया जाए। उसके बाद इन्होंने तमाम एक्टिव फॉर्मेशंस को कमांड की, कश्मीर में डिवीजन कमांड की, इन्होंने 3 कोर कमांड किया जो नॉर्थ ईस्ट में है। उस समय जो म्यांमार में आपको याद है कि जो एक एम्बुश लगाया गया था मणिपुर में और हमारे जवान मरे थे, उसके बाद हमारी जो स्पेशल फोर्सेस की ऑपरेशंस हुए थे म्यांमार में, उसी यूनिट के साथ हुए थे जो अभी आजकल दूसरे किस्म के न्यूज़ के अंदर है, 21 पैरा। लेकिन जनरल रावत ने उस टाइम काफ़ी गहराई में इस ऑपरेशन को प्लान किया था। उसके बाद जब ये वाइस चीफ बने तब इन्होंने काफ़ी गहराई में, उरी में जो हमला हुआ उसके बाद जो अटैक हुआ, कमांडो अटैक, उसमें भी उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी से काम किया और फिर चीफ बने। चीफ बनने के बाद CDS बने और बिपिन रावत एक अच्छा चॉइस था। उन्होंने कई एक चीज़ें की आर्मी चीफ बनकर और CDS बनकर जो पहले लोगों ने करने की हिम्मत नहीं की, जैसे कि
ब्रिगेडियर का ओहदा उन्होंने ऑपरेशनल रोल से हटा दिया और इंटीग्रेटेड ग्रुप बनाए जिसमें वो एक जनरल साहब उसको कमांड करेंगे। उस एक डिवीज़न की स्ट्रेंथ होती है करीब 7-8 हज़ार लोगों की, उसके अंदर एक जनरल साहब और उनके साथ कई अफसर दे के ऐसा ग्रुप बनाया कि वो एक घुल मिल के हमला कर सके दुश्मन पर और छोटी छोटी टोलियों में भी कर सके। तो दूसरा उन्होंने किया कि कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने रिटायर्ड अफसर और एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ ऐसे प्रिविलेजेस हटाए जिससे काफ़ी लोगों को बुरा लग रहा था कि साहब ये हमारे ही हैं और हमारे ही पंख काट रहे हैं। लेकिन उनका लक्ष्य और विषय आगे था और ये था कि भाई किस किस्म से कॉस्ट कटिंग की जाए, किस किस्म से जवानों और फंड्स को बचाया जाए जिससे कि भारत की सेना और जिम्मेवारी संभाल सके। कश्मीर के अंदर आपको याद है उन्होंने ऐसे कदम उठाए थे जिसको बोलने से लोग पहले झिझकते थे। और इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। चैनल पार्टनर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, चैनल पार्टनर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गुड पीपल टू बैंक विद। सबसे ज्यादा मजदूर बुंदेलखंड में लौट करके आए, कईयों की जान चली गई, क्या सरकार ने मदद की? अगर कोई मदद कर रहा था उस समय और आज भी तो वो समाजवादी पार्टी है। इसीलिए मैंने कहा कि परिवार वाले ही दुख दर्द समझ सकते हैं परिवार वालों का, वो क्या दुख दर्द समझेंगे जिनके परिवार नहीं है। 2014 में भाई बहन की जोड़ी आई थी, जनता ने खारिज कर दिया। 2017 में दो लड़कों की जोड़ी आई थी, जनता ने खारिज कर दिया। 2019 में महागठबंधन बना था, जनता 2014, 2017, 2019 में अपना फैसला दे चुकी। आप एक महिला अधिकारी को मारते हैं, तानाशाह आप हैं या सरकार है? मैंने भी दिन में बेल में जाकर हंगामा किया, मैंने भी आवाज उठाई, कभी किसी को मारा नहीं, ना कभी किताब उठाकर डेप्यूटी चेयरपर्सन पर फेंका। Channel partner Medibuddy, unlimited doctor consultations with Medibuddy Gold. Jaguar, complete bathroom and lighting solutions. Kent RO, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। Times Now नव भारत की ग्राउंड कवरेज, देश हो या विदेश, हर जगह की हर बड़ी खबर आप तक लेकर पहुंचा Times Now नव भारत। पाकिस्तान में मौजूद मसूद अजहर का ठिकाना हो, यहाँ पर मौलाना मसूद अजहर का घर, इंडियन टेलीविजन पर पहली बार ये वीडियो हमने दिखाया है, या मेहुल चौकसी की अपहरण स्टोरी का सच। Were you involved in the kidnapping of Mehul Choksi? No, we weren't. जिस खबर तक नहीं पहुंची किसी की नजर, उस खबर के लिए ग्राउंड जीरो पर दिखा सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत। अफगानिस्तान की राजनीतिक हालातों से लेकर तालिबान के क्रूर हथकंडों तक, सड़कों तक फैले कोहराम से लेकर घर वापसी की हर मुमकिन कोशिश तक, सबसे पहले सबसे सटीक हर खबर आप तक लेकर पहुंचा टाइम्स नाउ नव भारत। अब बदले का भारत, बनेगा नव भारत।
चैनल पार्टनर अमृता विश्वा विद्यापीठम, एजुकेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन फॉर लिविंग। चैनल पार्टनर मैजिक मोमेंट्स म्यूजिक स्टूडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन इंडिया का। आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कटवाल। मत पूछो कितना गमगीन हूँ गंगा जी और जमुना जी, ज्यादा मैं तुमको याद नहीं हूँ गंगा जी और जमुना जी। अमरोहे में बान नदी के पास जो लड़का रहता था, अब वो कहाँ है? मैं तो वही हूँ गंगा जी और जमुना जी। जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। राजस्थान देश के सबसे भ्रष्ट राज्यों में से एक है। एक्टर कॉमेडियन वीर दास ने एक मोनोलॉग जिसका परफॉर्मेंस उन्होंने विदेश में किया, उसे लेकर इस वक्त समाज में देश में लोग बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। चूज योर बैटल्स केयरफुली, किन बातों पर आपको रिएक्ट करना है, किन बातों को मुद्दा बनाना है और असल मुद्दे कौन से हैं जिनको इन सब बातों में खो नहीं जाना है। चैनल पार्टनर अमृता विश्वा विद्यापीठम, एजुकेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन फॉर लिविंग। चैनल पार्टनर मैजिक मोमेंट्स म्यूजिक स्टूडियो। नरेश, साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो। आज दिल्ली लाए जाएंगे सीजीएस बिपिन रावत, पत्नी मधुलिका और बाकी जवानों के पार्थिव शरीर। हादसे में हेलीकॉप्टर सवार 14 में से 13 लोगों की मौत। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे पर आज संसद में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बुधवार को सीसीएस की बैठक में सीजीएस बिपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। चौपर हादसे में एक लौटी जिंदा बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अस्पताल में इलाज जारी। पूरा देश कर रहा है जवान के सलामती की दुआ। सीजीएस बिपिन रावत के निधन पर दुनिया भर में शोक की लहर। अमेरिका, रूस, इसराइल ने कहा कि हमने सच्चा दोस्त खो दिया। आज किसान आंदोलन वापसी का हो सकता है ऐलान। दोपहर 12 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। केंद्र के नए प्रस्ताव से किसान संगठन सहमत है। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से आज फिर से ईडी करेगी पूछताछ। बुधवार को 9 घंटे तक एजेंसी ने किए सवाल जवाब। बैंक अकाउंट डिटेल्स पर हासिल की जानकारी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में टीआरएफ के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। पंजाब के गुरदासपुर में मिलिट्री इलाके में मिला ग्रेनेड। सुरक्षा बलों ने एयरफोर्स स्टेशन के पास सर्च ऑपरेशन चलाया। ओमाइक्रॉन की दुनिया के 57 देशों तक दस्तक। फाइजर का दावा, बूस्टर डोज वेरिएंट के खिलाफ कारगर। बायोटेक मार्च तक बना सकते हैं वैक्सीन। आज शादी के बंधन में बंधेंगे कैटरीना कैफ और विकी कौशल। सवाई माधोपुर के सिक्स सेंस फोर्ट में एक दूसरे के संग लेंगे 7 फेरे। इन एसोसिएशन विद जर्म ऑफ सरफेस क्लीनर, जर्म्स ऑफ फ्रेग्रेंस ऑन। क्या मस्त चटपटा और जायकेदार है राजेश मसाला, एक बार ट्राई तो कीजिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर के आज दोनों सदनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जानकारी देंगे और इसके साथ ही सीजीएस बिपिन रावत समेत सभी मृतकों के पार्थिव शरीर दिल्ली लाए जाएंगे। सीजीएस रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का कल दिल्ली में ही अंतिम संस्कार होगा। हादसे के बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। हादसे में एकमात्र जिंदा बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की सलामती के लिए पूरा देश दुआ मांग रहा है। इसके साथ ही दुनिया के कई देशों ने सीजीएस रावत के निधन पर शोक जताया। जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी पत्नी मधुलिका रावत की भी जान चली गई और वो मध्य प्रदेश की बेटी थी। जनरल रावत के साथ उनकी तस्वीरें बताती हैं कि वो कितनी सक्रिय हैं और उनके निधन से शहडोल में शोक है। जहां पर मधुलिका रावत का परिवार रहता है, उनकी मां भी दिल्ली पहुंच रही हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने पर उनके अलावा जिन 12 लोगों की मौत हुई उनमें जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी हैं। मधुलिका रावत की मौत से मध्य प्रदेश के शहडोल में शोक की लहर है, क्योंकि जनरल रावत यहां के दामाद थे और उनकी पत्नी मधुलिका शहडोल के सुहागपुर से हैं। रॉयल परिवार से ताल्लुक रखने वाली मधुलिका के पिता शहडोल की कोतमा सीट से 2 बार विधायक भी रहे। सेना से घटना की जानकारी मिलते ही उनके भाई भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। शहडोल से उनकी माँ भी दिल्ली पहुँच रही है।
और सेना के वरिष्ठ अधिकारी हमारी मां को लेने पहुंच गए हैं शहडोल। उनको फ्लाइट से या बाई रोड लेके आएंगे। जनरल रावत और मिसेज मधुरिका रावत की शादी 1986 में हुई, तब विपिन रावत गोरखा राइफल्स में कैप्टन थे। उनके ससुराल वालों का कहना है कि उन्होंने जनवरी में ससुराल आने का वादा किया था। वो ये भी चाहते थे कि शहडोल में सैनिक स्कूल खुले। 10 दिन पहले हमारी उनसे बात हुई थी और उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि शहडोल ससुराल तो है मेरा, पर शहडोल ससुराल से ज़्यादा बड़ा स्कूल के लिए था कि वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो उन्होंने आदिवासी बहुल क्षेत्र को मानते हुए एक सैनिक स्कूल का प्रस्ताव रखा कि आप पॉसिबिलिटी खुल करिए। मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर एक सैनिक स्कूल को लगाएं। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया कि मिसेज मधुलिका मध्य प्रदेश की बेटी थी। सीडीएस जनरल रावत और मिसेज मधुलिका की दो बेटियां हैं, एक मुंबई से दिल्ली पहुंच रही हैं जबकि दूसरी दिल्ली में ही रहती हैं। भोपाल से गोविंद गुर्जर के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो हेलीकॉप्टर हादसे के दौरान 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हादसे में बुरी तरह से झुलसे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। करीब साल भर पहले अक्टूबर 2020 में वरुण सिंह तेजस की एक टेस्ट सॉटी के दौरान हवा में ही टेक्निकल गड़बड़ी के चलते मुश्किल में फंस गए थे और तब वो तेजस को सुरक्षित लैंड कराने में कामयाब रहे थे, लेकिन एक साल बाद हादसे का शिकार हो गए। देश भर में उनकी सेहत को लेकर के प्रार्थनाएं की जा रही हैं। तमिलनाडु में कुन्नूर के नजदीक हुए जिस हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों की जान गई, उसी क्रैश में सिर्फ एक की ही जान बच पाई, वो है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। बताया जा रहा है कि हादसे की वजह से वो बुरी तरह झुलस गए हैं। वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया कि हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदना है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के तेजी से ठीक होने की प्रार्थना करता हूं, जिनका फिलहाल विलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे में इकलौते बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह तमिलनाडु के विलिंगटन के डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में डायरेक्टिंग स्टाफ हैं। इसी साल 15 अगस्त को उन्हें शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया। शौर्य चक्र मिलने के पीछे की कहानी ये है कि 20 अक्टूबर 2020 को जब वो विंग कमांडर थे तब सेना में शामिल हुए तेजस विमान की टेस्ट सॉर्टी के लिए निकले। विमान काफी ऊंचाई पर था, तभी उसमें एक मेजर टेक्निकल इशू आ गया। तेजस का प्रेशराइजेशन सिस्टम फेल हो गया। तब उन्होंने विमान से इजेक्ट होने की बजाय सूझबूझ से काम लिया और विमान को लैंड कराने में कामयाब रहे। जिंदगी से लड़ रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता कर्नल केपी सिंह सेना से रिटायर्ड हैं। दुख की इस घड़ी में पूरा देश दुआ कर रहा है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जल्दी स्वस्थ हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो आसमान की जिस घातक योद्धा का लोहा सारी दुनिया मानती है, दुश्मन का शिकार करने वाला वो वायुवीर हादसे का शिकार आखिर कैसे हुआ? मी-17 की गिनती सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर में की जाती है और इसीलिए रक्षा मामलों के जानकार हादसे को लेकर के कई तरह की आशंका भी जता रहे हैं। रिपोर्ट में देखिए। वायुवीरों के जिस योद्धा की गिनती दुनिया के सबसे एडवांस हेलीकॉप्टरों में होती है, आसमान के जिस लड़ाकू ने जरूरत पड़ने पर दुश्मन के खिलाफ अपने अभूतपूर्व शौर्य का लोहा मनवाया, हमारे शूरवीरों की ताकत में शुमार ये आसमानी घातक हादसे का शिकार कैसे हुआ? इस बारे में अब तक दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी कई वजह हो सकती है। पहली वजह, खराब मौसम। हेलीकॉप्टर हादसे की बड़ी और अहम वजह खराब मौसम को भी बताया जा रहा है। दरअसल जंगल और पहाड़ी इलाकों के पास वेलिंगटन का हेलीपैड मौजूद है, इसी वजह से यहां प्लेन को लैंडिंग करना काफी मुश्किल होता है। यहां पर हेलीपैड दूर से दिखाई नहीं देता, काफी नजदीक आने पर ही पायलट को हेलीपैड दिखाई पड़ती है, जिसके बाद ही पायलट लैंडिंग का आखिरी फैसला करता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि खराब मौसम में जब पायलट को हेलीपैड करीब लगा होगा तब वो लैंडिंग की कोशिश कर रहा होगा। दूसरी वजह, तकनीकी खामी।
हादसे की एक और वजह हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खामी को भी माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी आ गई हो। इस हेलीकॉप्टर में दो इंजन होते हैं, जिसमें अगर एक इंजन भी काम करता है तो हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं कर सकता। लेकिन एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि एक ही साथ दोनों इंजन में खराबी आ गई हो, या फिर हेलीकॉप्टर के फ्यूल पंप से फ्यूल की सप्लाई एकाएक बंद हो गई हो। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि MI-17V5 हेलीकॉप्टर डबल इंजन वाला था। ऐसे में अगर एक इंजन फेल भी हो जाता तो दूसरे इंजन से सुरक्षित लैंडिंग हो सकती थी। और इस आसमानी योद्धा की सबसे बड़ी खासियत है कि ये खराब मौसम में भी उड़ान भर सकता है। ये किसी भी भौगोलिक हालात में उड़ान भर सकने में सक्षम है, चाहे ज्यादा ऊंचाई हो या फिर रात का घना अंधेरा। रॉकेट, तोप और छोटे हथियारों से लैस होकर ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर दुश्मन को तबाह और बर्बाद कर सकता है। मैं बहुत ब्रीफ में बात करूंगा कि मेरे अनुसार 8 कारण हो सकता है ये क्रैश होने का। प्री फ्लाइट चेकअप, पायलट एरर, टेक्निकल फेलियर, नेविगेशन एरर, विजिबिलिटी कम होने का कारण, क्लाउड इफेक्ट कि क्लाउड में हेलीकॉप्टर फंस गया, साबोटाज एंगल, वायर एंगल कि नॉर्थ ईस्ट में कभी कभी जो केबल है वो जो डाला जाता है उसका पोजीशन चेंज कर दिया जाता है और पायलट को दिखाई नहीं पड़ता है तो वायर में लोग क्रैश करते हैं, आग लग जाती है। और आठवां कि फ्यूल एक्स्ट्रा, क्या एक्स्ट्रा फ्यूल डालने से वो डायमेंशन था जो क्रैश का वजह था। तीसरी वजह, गलत नेविगेशन। MI-17V5 एक VIP हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसका निर्माण रशियन हेलीकॉप्टर्स की सहायक कंपनी कजान हेलीकॉप्टर करती है। इसके कैबिन के अंदर और बाहर स्लिंग को कार्गो परिवहन के लिहाज से डिजाइन किया गया है। MI-17V5 दुनिया के सबसे एडवांस हेलीकॉप्टरों में से एक है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गलत नेविगेशन की वजह से हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ होगा। सब बिंदुओं को ध्यान रखते हुए जो सबसे मुख्य प्रश्न मेरे मन में आता है कि आग लगी कब, आकाश में या जमीन पे? यदि आकाश में लगी है तो हेलीकॉप्टर के बाहर जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है उससे हेलीकॉप्टर टकराया है, या आकाश में हुआ है तो अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, मैल फंक्शनिंग हुआ है जिसके वजह से आग लगी है। लेकिन यदि जमीन पे आग लगी है तो मैकेनिकल टेक्निकल फेलियर के चलते हेलीकॉप्टर जमीन पे गिरा है और फ्यूल टैंक फटा है और तब आग लगी है, जिसमें जनरल रावत को 3rd degree बर्न हुआ है और इसीलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाए। 3rd degree बर्न में कोई बचता नहीं है। चौथी वजह, कम विजिबिलिटी। तमिलनाडु के कुन्नूर हादसे की वजह जानकार कम विजिबिलिटी को भी मान रहे हैं। जानकारों का कहना है कि कम विजिबिलिटी की वजह से भी हादसा हो सकता है। एक्सपर्ट्स की राय है कि खराब मौसम की वजह और लैंडिंग पॉइंट से दूरी कम होने की वजह से भी हेलीकॉप्टर काफी नीचे था। हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। लो विजिबिलिटी हादसे की वजहों में से एक हो सकती है। लेकिन हैरानी की बात है कि MI-17V5 वेदर रडार के साथ ही लेटेस्ट नाइट विजन इक्विपमेंट से लैस था। बावजूद इसके अगर खराब मौसम हुआ भी तो ये हादसे का शिकार कैसे हो गया? इसके अलावा बादलों में हेलीकॉप्टर का फंसना भी एक अहम वजह माना जा रहा है। एयरफोर्स ने MI-17V5 हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। अब जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो MI-17V5 हेलीकॉप्टर जिसमें CDS बिपिन रावत सफर कर रहे थे वो हादसे का शिकार हो गया। लेकिन क्या है इसकी खासियत और ये जो किन एडवांस तकनीकों से ये लैस है, क्यों दुनिया के 7 देशों में सबसे ज्यादा भरोसेमंद है MI-17V5 हेलीकॉप्टर, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 जवानों की मौत हो गई। लेकिन जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ वो किसी आम हेलीकॉप्टर से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। जहां ये हेलीकॉप्टर सेना के इस्तेमाल के लिए बेहद एडवांस्ड माना जाता है, तो वहीं इसका इस्तेमाल भारत के कई VVIP के लिए किया जाता है। सबसे पहले आपको MI-17V5 की खासियत बताते हैं। MI-17V5 हेलीकॉप्टर MI-8 का अपग्रेडेड वर्जन है, जो ज्यादा ऊंचाई और हर मौसम में बेहतर तरीके से काम करने में सक्षम है।
ये हेलीकॉप्टर उष्णकटिबंधीय और समुद्री जलवायु के साथ साथ रेगिस्तानी इलाकों में भी उड़ान भर सकता है। इसकी खासियत ये भी है कि ये नाइट विजन तकनीक और ऑटो पायलट सिस्टम से लैस होता है। हेलीकॉप्टर मीडियम ट्विन टर्बाइन है। इसका इस्तेमाल भारी चीजों, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्क्यू और वीवीआईपी मूवमेंट के लिए किया जाता है। एक बार में ये करीब 36,000 किलो वजन उठाने में सक्षम है। साथ ही हेलीकॉप्टर में 36 लोगों के बैठने की जगह होती है। दुनिया के 60 देशों में ये काम कर रहा है। बैटल प्रूफ है, बैटल टेस्टेड है। और जहाँ तक वायुसेना का तल्लुक है, पिछले 25 से 30 साल से इसके कई वेरिएंट्स को उड़ाया जा रहे हैं। और ये जो B-17 V5 था, ये लेटेस्ट वर्जन है, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी से लैस था। और VIP के हेलीकॉप्टर को जो उड़ान करते हैं, वो पायलट्स भी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होते हैं। आमतौर पे उनकी रेटिंग होती है A-Master Wing का मतलब, जहाँ तक उनकी थियोरेटिकल नॉलेज है, बहुत ही उच्च दर्जे की है। और जहाँ तक उनकी फ्लाइंग कैपेबिलिटी है, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग बैड वेदर में, उसके लिए खास तौर पे वो माहिर है। वहीं अगर MI-17 V5 की स्पीड की बात करें, तो हेलीकॉप्टर 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊंचाई पर जा सकता है। वहीं इसकी अधिकतम स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और एक बार में ये 580 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। हेलीकॉप्टर अधिकतम 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। हेलीकॉप्टर का वजन लगभग 7489 किलो है, जबकि इसका अधिकतम वजन 13000 किलोग्राम है। अभी तक आपने इसकी खासियत और स्पीड के बारे में जाना, अब आपको बताते हैं कि आखिर इस हेलीकॉप्टर में कौन कौन से हथियार होते हैं। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर S-8 रॉकेट्स, एक 23mm मशीन गन, PKT मशीन गन और AKM सब मशीन गन से लैस है। इसके साथ ही हथियारों को निशाना बनाने के लिए 8 फायरिंग पोस्ट हैं। एडवांस तकनीक और सुविधाएं ही MI-17 हेलीकॉप्टर को खास बनाती हैं, और शायद यही वजह है कि दुनिया के करीब 60 देश इसका इस्तेमाल करते हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने साल 2008 में रूस के हेलीकॉप्टर कंपनी को 80 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया था, जो कि करीब $1.3 अरब का अनुबंध था। भारतीय एयरफोर्स को 2013 में 36 एमआई सीरीज के हेलीकॉप्टर्स मिले थे। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने 2012-13 के दौरान 71 नए MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया था। भारत को MI-17 V5 की आखिरी खेप जुलाई 2018 में मिली थी। 26/11 का हमला हो या सर्जिकल स्ट्राइक, हर बड़े ऑपरेशन में इस MI-17 V5 का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन आधुनिक तकनीक और सुविधाओं के अलावा इसका विवादों से भी नाता रहा है। साल 2020 में कैग ने हेलीकॉप्टर के अपग्रेड नहीं होने पर सवाल उठाए थे और 90 MI-17 हेलीकॉप्टर के 2002 से अपग्रेड नहीं होने पर सवाल किए थे। संसद में पेश की गई कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर का बेड़ा जिस क्षमता के साथ उड़ रहा है, उससे वायुसेना की तैयारियों पर असर पड़ रहा है। कैग ने कहा कि हेलीकॉप्टर्स का अपग्रेडेशन जुलाई 2018 से शुरू हुआ, जो कि 2024 तक पूरा हो पाएगा। ऑडिट में कहा गया है कि आधुनिकीकरण के बाद 56 हेलीकॉप्टर अब अपग्रेड के बाद भी सिर्फ 2.5 साल तक ही ऑपरेट करने लायक रहेंगे और 2024 तक ऑपरेशनल से हटाए जाएंगे। MI-17 खूबियों से भरा हुआ है, दुनिया भर में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो आखिर क्या वजह रही कि हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ? अब ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा से ही खुलासा होगा कि ये इंसानी गलती थी या मौसम के चलते कोई तकनीकी खामी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और Mi-17 की जो खासियत है उसके बारे में आपको बता देते हैं। Mi-8 का अपग्रेड वर्जन है Mi-17 V5, जिसका ज्यादा ऊंचाई, हर मौसम के लिए सक्षम, नाइट विजन तकनीक से लैस, ऑटो पायलट सिस्टम से लैस, मीडियम मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, भारी चीजें और ट्रांसपोर्टेशन रेस्क्यू में ये काफी ज्यादा मददगार है। VVIP मूवमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही अगर बात करें Mi-17 के स्पीड और वजन की, तो वो भी आप देख लीजिए, 8 मीटर सेकंड की पर सेकंड की स्पीड से ये ऊंचाई पर जाने में पूरी तरह से सक्षम है। अधिकतम स्पीड इसकी 250 किलोमीटर प्रति घंटा, एक बार में 580 किलोमीटर दूरी तय करने में ये हर तरीके से सक्षम है। और 6000 मीटर की ऊंचाई तक ये उड़ान, हेलीकॉप्टर का वजन करीब 7489 किलो, अधिकतम वजन की अगर बात करें तो 13000 किलोग्राम है। इसके साथ ही हथियारों से लैस Mi-17 V5 के बारे में आप जान लीजिए। S-8 रॉकेट्स, जिसमें 23mm मशीन गन, PKT मशीन गन, AKM सब मशीन गन से लैस है, 8 फायरिंग पोस्ट है। और साथ ही Mi-17 V5 ऑर्डर और डिलीवरी की बात करें, तो 2008 में रूस को ऑर्डर
80 किलोमीटरों का ऑर्डर तकरीबन 1.3 अरब डॉलर का करार हुआ था। 2013 में 36 मी सीरीज के हेलीकॉप्टर्स मिले और 2012 से 13 में 71 नए हेलीकॉप्टर का अग्रीमेंट। जुलाई 2018 की बात करें तो आखिरी खेप 2018 में मिली थी। तो इसकी और भी खासियत आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं वेदर रडार है इसमें, जिसमें यह पता लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ये पार्ट्स आपको दिखा रहे हैं जो वेदर के बारे में जानकारी ले सकता है, कॉकपिट भी, और ये तमाम खासियत जिसे वीवीआईपी मूवमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आखिर ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार कैसे हुआ, इसके बारे में भी लगातार जानकारियां जुटाई जा रही हैं। इंजन की बात करें तो दो इंजन है इसमें। तो सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर इसे माना जाता है एडवांस तकनीक और सुविधाओं से लैस है Mi-17V5। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 60 ऐसे देश जिसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सेफ इस हेलीकॉप्टर को माना जाता है। शौर्य और साहस का दूसरा नाम जनरल बिपिन रावत, जिनके जाने का गम देश ही नहीं पड़ोसी देश में भी है, और इनके नेतृत्व में सेना ने न सिर्फ दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि साबित भी कर दिया है कि किसी ने भारत को छेड़ने की कोशिश की तो उसे छोड़ेंगे नहीं। चीन के खिलाफ जंग में शानदार सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बिपिन रावत हिंदुस्तान के लिए किसी रक्षा कवच से कम नहीं थे। देश पर कोई भी बाधा आए, कोई भी संकट आए, जनरल बिपिन रावत हमेशा एक ढाल की तरह खड़े रहे, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान। बिपिन रावत के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने हर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। जंग का मैदान हो या फिर छद्म युद्ध, बिपिन रावत के पास बतौर सैन्य कमांडर उनके पास हर मर्ज की दवा थी। जनरल बिपिन रावत को ऊंचाई वाले वॉर जोन, आतंकवाद रोधी अभियानों में कमान संभालने का अनुभव था। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र में एक इन्फेंट्री बटालियन की कमान संभाली, एक राष्ट्रीय राइफल्स और कश्मीर घाटी में एक इन्फेंट्री डिवीजन की भी कमान संभाली। उन्हें वीरता और विशिष्ट सेवाओं के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। नॉर्थ में मिलिट्री फोर्स के पुनर्गठन, पश्चिमी फ्रंट पर लगातार जारी आतंकवाद और प्रॉक्सी वॉर और पूर्वोत्तर में जारी संघर्ष के लिहाज से उन्हें सबसे सही विकल्प माना जाता था। सर्जिकल स्ट्राइक और LAC पर भारत के रुख में भी रावत का बड़ा योगदान था। They have not transgressed anywhere on our perception of the line of actual control. There are different perceptions. We are very clear where the line of control lies, line of actual control lies, because we have been told that this is your alignment of the line of actual control and this is the territory you are expected to defend. Chinese have a perception which in some areas we know, in some areas we don't know, because they have never really explained where the line of actual control lies according to their perception. But as far as we are concerned, there is no such village development that has taken place on our side of the line of action. General Rawat ki bahaduri aur war planning ko dekhte hue, unhein 31 December 2016 ko Bharatiya Sena ki kaman saupi gayi. जनरल रावत को वरिष्ठ दो अफसर लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी और लेफ्टिनेंट जनरल PM हारिस को दरकिनार कर भारतीय सेना का प्रमुख बनाया गया था। सेना अध्यक्ष के पद से रिटायर होने के बाद उन्हें देश का पहला CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। जनरल बिपिन रावत हर तरह की चुनौती से लोहा लेने का अनुभव रखते थे। जनरल बिपिन रावत इंडियन मिलिट्री एकेडमी और उसके बाद डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में गए। ये वही डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है जहां वो एक इवेंट के लिए जा रहे थे, जिसके बाद उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उनका निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
सीडीएस बिपिन रावत कितने जिंदा दिल इंसान थे उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे, इस तस्वीर में आप देख पाएंगे जिसमें बिपिन रावत आपको एक नेपाली सॉन्ग पर थिरकते हुए नजर आएंगे। दरअसल इंडियन आर्मी का चीफ नेपाल की आर्मी का जनरल होता है और ये तस्वीर जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। पूरा देश जनरल रावत को अपने तरीके से याद कर रहा है। कई लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में सीडीएस रावत की तस्वीरें भी लगाई हैं और कई लोगों ने अपनी राय सोशल मीडिया पर लिखी। ये दिखाता है कि ये देश उन्हें कितना ज़्यादा प्यार करता था और कितनी उम्मीद उनसे रखता था। सब अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं और उसी में से एक तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो है, कई लोगों ने जनरल रावत के इस वीडियो को शेयर भी किया है सोशल मीडिया पर। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।